गुलबर्गा शहर में मौजूद सभी लाल हरम हज उमरा एंड वीजा सर्विस की जानिब से हर बार की तरह इस बार भी अक्टूबर महीने के लिए बढ़िया उमरा पैकेज तैयार किया गया है, जिसके जरिए खासकर टीचर्स और दीगर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोग फायदा हासिल कर सकते हैं। अक्टूबर महीने में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए हॉलीडेज होती हैं और कई लोग हॉलीडेज में मुख्तलिफ स्टेट और कंट्रीज में घूमने जाते हैं। सभी लाल हरम की जानिब से खास हॉलीडे पैकेज तैयार किया गया है, जिसके जरिए आप इस दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह हरम शरीफ का सफर कर उमरा की सआदत हासिल करते हुए अपने हॉलीडेज को मक्का और मदीना में इबादत कर नेकियों में गुजार अपने ईमान को ताज़ा कर सकते हैं। सभी लाल हरम ब्रांच गुलबर्गा के प्रोपराइटर मौलाना मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर इलियास कासमी साहब ने अक्टूबर हॉलीडेज में टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए खास उमरा पैकेज तैयार किया है, पर दीगर लोग भी इस पैकेज के जरिए उमरा की सआदत हासिल कर सकते हैं। इस अक्टूबर पैकेज में लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं और आने वाली 3 अक्टूबर को ये उमरा ग्रुप रवाना होगा और 17 अक्टूबर को वापसी है। डायरेक्ट सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट के साथ आपके लिए यह पैकेज 96,000 रुपीस में तैयार किया गया है, जिसमें आपको कुल 4 उमरा कराए जाएंगे और बेहतरीन हैदराबादी फूड, बढ़िया होटल्स और दीगर सर्विसेज के साथ तमाम लोकल ज़ियारतें भी कराई जाएंगी। होटल्स की अगर हम बात करें तो मक्का में नदाल दिफा 180 मीटर की दूरी पर और मदीना में अल मदीना स्टार होटल सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर मौजूद रहेगी। अगर आप अपनी छुट्टियों को इबादत और नेकियों में गुजारना चाहते हैं तो सभी लाल हरम के प्रोपराइटर जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर इलियास कासमी साहब से रابطہ कर सकते हैं। ये ग्रुप 3 अक्टूबर को रवाना होने जा रहा है, आप बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इस पैकेज में अपनी सीट बुक करा सकते हैं या फिर आप अपनी सहूलत के हिसाब से अपनी डेट चॉइस कर उमरा पैकेज बुक करवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर आप गुलबर्गा एम एस के मिल मिजबा नगर चौक सईदापुरी होटल्स के करीब मौजूद सभी लाल हरम की ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वरकातुहू। जैसा कि हम वादा किए थे आप हजरात से, इंशाल्लाह हम 4 उम्रे कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहला उम्रा तो हो चुका था, दूसरा उम्रा मस्जिद जवाराना से हुआ और तीसरा उम्रा आज हम ताइफ पहुंचे हैं। आप यहाँ देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने दोनों का नमाज पढ़ लिया है, नाम बांध लिया है। अभी हम यहाँ से मक्का जाएंगे और तीसरा उम्रा हम करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस उम्रे को आसान भी फरमाए और बेहद कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैटला के अंदर में दिया था और आप लोगों से वादा भी किया था कि हम साथ में रहते हैं, इंशाल्लाह 4 उम्रे हम कराएंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से एक उम्रा मस्जिद हराम पहुंचने के बाद हमारा हो चुका था, दूसरा उम्रा मस्जिद जौहराना से हुआ, तीसरा उम्रा था नायब से हुआ और चौथा हुआ हम अदा करने के लिए मस्जिद आयशा आए हुए थे। अभी हराम बांधकर नमाज अदा करते हुए हम मस्जिद हराम जा रहे हैं। चौथा उम्रा वादा मुताबिक हम करेंगे इंशाल्लाह। नियत कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी أريد العمرة فيسرها لي تقبلها مني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए नाज़रीन, ये मस्जिद हराम का सहन है, इससे बिल्कुल जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको ये सियाद रोड पे बिल्डिंग दिख रही, मेरिडियन बिल्डिंग, मक्का मेरिडियन, मक्का मेरिडियन बिल्कुल। बराबर में हमारी होटल है नजार ज़ियाफ़ा, सभी हराम टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों की हमारी होटल है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 2 से 4 मिनट के अंदर हम अपने होटल को पहुंच सकते हैं, होटल बिल्कुल करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह नदा अल ज़ियाफ़ा।